जब रेलवे प्राइवेट हो जाएगी, जब सरकारी स्कूल प्राइवेट हो जाएगा, जब सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाएगा, तो सरकार का घंटा बजाने के लिए यहाँ पे रहेगा है, बताइए ना, सरकार का घंटा बजाने के लिए रहेगा काजी। अरे साला तुम लोगों को बस चले ना, तो एक दिन साला तुम लोग पार्लियामेंट का भी प्राइवेट कर दोगे, संविधान का भी प्राइवेट कर दोगे, जब साला तुम लोगों का बस चले एक दिन तो। भड़वे गद्दार नेता, कोई भी माई का लाल पार्टी इसको विरोध नहीं कर रहा है, सब साला चुपकी इस्तादे हुए घर में बैठा हुआ हरम जा रहे। और जब साला अपना TADA बढ़ाना होता है ना, तो सारा पार्टी लोग एक हो जाता है भड़वे, और जब देश की बात आता है तो सारा पार्टी लोग आपस में लड़ता है। भड़वे गद्दार नेता तुम लोग, साला जब अपना TADA बढ़ाने के समय आता है ना, तो साला तुम लोग पूरा पार्लियामेंट में जितना भी MP हो सारा एकता हो जाते हो तुम लोग, और फटाफट बिल पारित कर देते हो। और जब साला इसको विरोध करने के लिए किसी की औकात नहीं, तुम जैसे हरम जादो के साले देश के गद्दार और सारे पार्टी लोग जितने कांग्रेस BJP हो ना, भारत का राष्ट्रपति सरकारी हो सकता है, भारत के प्रधानमंत्री सरकारी हो सकता है, पार्लियामेंट सरकारी हो सकता है, तो साला हरम जादा ये ट्रेन सरकारी क्यों नहीं हो सकता, सरकारी स्कूल सरकारी क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं सरकारी रह सकता, बैंक सरकारी क्यों नहीं रख सकता। तुम जैसे हरम जादों को साला मालूम है पिछवाड़े में शिमला मिर्च डाल देगा, शिमला मिर्च डालना पड़ेगा तब तुम लोगों को समझ में आएगा। साला समझ नहीं, तुम्हारे बाप का देश है क्या रे, ये ट्रेन तुम्हारे बाप ने खरीदा था क्या, आम जनता की पैसा है ये स्कूल जो चलता है ना, सरकारी स्कूल तुम्हारे बाप के पैसा से नहीं चलती है, ये आम जनता के पैसा से चलता है। साला तुम लोग अपना कमियां छिपाने के लिए इसे प्राइवेट कर रहे हो, तुम लोग अपना कमियां छिपाने के लिए इसको प्राइवेट कर रहे हो। प्रधानमंत्री होगा सरकारी रहेगा है, और जो साला पार्लियामेंट में जो MP लोग बैठते हैं उनको डिलीवर जो है उनको गाड़ी चलाने वाला सरकारी रहेगा, तो सरकारी स्कूल सरकारी क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं रह सकता ये स्कूल सरकारी, क्यों नहीं रह सकता। पूछता हूँ आपसे गद्दार भड़वे लोगों सवाल पूछता हूँ, अरे विरोध करने वाला भड़वे कुछ का वाला नहीं लोगो तू, ओके जी के समझ में आया। साला आपको अभी मालूम नहीं है कि कोरोना वायरस के महामारी में कितना ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल गर्दा उड़ा के लूट रहा है आम पब्लिक से, इसका जिम्मेदार कौन है रे, कौन जिम्मेदार है इसका। साला 25 रुपए का दावा 125 रुपए में बेचा जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है रे, पूछता हूँ तुम जैसे भड़वे लोगों से गद्दार लोगों से। अगर सरकारी स्कूल है उसको अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा तो गरीब के बाल बच्चा कहाँ पढ़ेगा रे भड़वे, कहाँ पढ़ेगा पूछता हूँ आपसे, कहाँ पढ़ेगी बताना। जो आपको आपको जो दिमाग में जो लॉजिक है ना, ये हटा दूं, जिस दिन पब्लिक जाग गया ना उस दिन तुम्हारे पिछवाड़े में शिमला मिर्च डाल देंगे, समझ में आया तुम लोगों को। आपको मालूम होना चाहिए इस बात को, आपको मालूम होना चाहिए इस बात को कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूल में लूट चलता है, पखंड चलता है साला, वहाँ पे कितना बड़ा लूट चलता है। अगर कोई गरीब का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, एक महीने को फीस नहीं दिया तो उस बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। वो अभी लॉकडाउन में भी साला इन प्राइवेट स्कूल पैसा ले रहा है लोगों से, फीस ले रहा है लोगों से, प्राइवेट होने के बाद पूरे लूट और पखंड चलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर सरकारी ट्रेन से सरकारी ट्रेन घंटा में है तो इसकी जिम्मेदार कौन है रे, जिम्मेदार कौन है, तुम्हारी बाप और तुम साला जिम्मेदार हो इसका, इसका जिम्मेदार कौन है अगर ट्रेन घाटे में है तो, पब्लिक जिम्मेदार है इसका, चुतिया बना रहे हो सब कभी। अबे देख मैं जल्दी सारे मंत्री को पत्र लिखने वाला हूँ भैया, मैं तो चुप नहीं बैठने वाला, मैं सारे मंत्री को पत्र लिखने वाला हूँ। आप लोग फिर भी कॉल चिपका के घर में बैठे रहिए, आप लोगों को तो BJP या कांग्रेस करना है। साला सत्ता बदलने से कुछ होता है भाई, जब तक ये आवाज नहीं उठाओगे खाली सत्ता बदलते रहो तुम लोग, हम तो अपना काम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। निजीकरण जब कर ही रहे, निजीकरण जब कर ही रहे, तो मेरी इतनी अरज सुन ले, लगे हाथ संसद का भी निजीकरण कर दे, लगे हाथ संसद का भी निजीकरण कर दे।